उम्मीद करता काफी बढ़िया हो गया। तो आज आप लोग को थोड़ा अलग ही कुछ देखने को मिल रहा होगा ना। तो मैंने भी सोचा भाई छोड़ यार, कब तक इरेगुलरिटी रखूंगा यार, कब तक बोरिंग बोरिंग से ब्लॉग लाता रहूंगा। तो सोचा कि इस बार कुछ नया करते हैं। अच्छी लगती है आपको मेरी ये जैकेट? तो काफी लोगों ने मुझसे पूछा था ये जैकेट के बारे में कि भाई कौन से ब्रांड की है भाई ये जैकेट। तो मैं भाई हूँ बहुत बड़ा दोगला आदमी, चलाता KTM हूँ, स्पॉन्सर TVS को करता हूँ, जैकेट भी भाई मैं TVS की पहना हुआ हूँ। तो ये जैकेट है मेरी रॉनिन की, जो TVS की रॉनिन आती है उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन करी गई थी ये जैकेट, और पहली नज़र में पसंद आ गई थी। तो क्या ही बोले, तो इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, और मुझे राइडिंग जैकेट खरीदनी भी थी। तो मैंने सोचा कि एक बार इस पर भी इन्वेस्ट करके देखते हैं। अब चलते हैं अपने बाहर बैकर के पास। फैमिली ऑफ सो यू आर वेलकम गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MG थ्रॉटल। सो कैसे हो आप सभी लोग? तो आपने इससे जो पहले की वीडियो चल रही थी कैसी लगी ज़रूर बताना। और अब हम लोग भाई जा रहे हैं अपनी जॉब पर, श्री बालाजी मोटर्स नगड़िया पे, TVS शोरूम। तो भाई जैसे कि मैं कह रहा था, हाँ भाई मैं बहुत बड़ा दोगला हूँ, तो चलाता KTM हूँ, और प्रमोशन और राइड्स भाई AUG के साथ में करता हूँ, TVS के साथ में करता हूँ। वैल अभी मैं आप लोग को बताऊं तो मेरा पैर जो है थोड़ा सही से रख नहीं पाए क्योंकि यहाँ नीचे ट्राईपॉड टाई हुआ है। और वेल कोई नहीं भाई, पिछले ब्रेक की मुझे इतना ज़्यादा नीड नहीं होती है, मैं यूजुअली भाई फ्रंट ब्रेकिंग पे अपना काम करता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी में ABS, आपको अगर आप लोग को थोड़ा सा वेल अवेयर हो गए तो ABS वाली गाड़ी में अगर आप फ्रंट ब्रेकिंग यूज़ करते हो तो आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी, मतलब आपके कंट्रोलिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। वेल अभी हम लोग पेट्रोल पड़वा लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ने यहाँ पेट्रोल पड़ा लिया अपनी बाइक में, और तो चलते हैं भाई अभी। वेल भाई ऐसे काफ़ी ठंड के बाद जब धूप निकलती है ना, धूप सेकने का मज़ा ही भाई कुछ और होता है। और ये भाई वैगनार वाले को डराएं, देखा भाई तुम्हारे भाई को भी बिजली आ गई बहुत तगड़ी वाली। तुम्हारे भाई की देखो यार, प्रैक्टिस वगैरह करते रहो यार, प्रैक्टिस से ही भाई परफेक्शंस आते हैं। पर देखो मोटो व्लॉगिंग एक ऐसी लाइन है और स्टंटिंग एक ऐसी लाइन है जिसमें आप कुछ हद तक भाई परफेक्ट हो सकते हो, बट प्रैक्टिस 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 आपको रहनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो तो भाई आप लोग का जो है जो फ्लो होता है वो चीज़ ख़राब हो जाता है भाई। वेल यहाँ पे भाई कैमरा भाई बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो स्पीड भाई हम अपनी 40 ले आते हैं, 40-45, ताकि हम यहाँ से निकल जाए, उसके बाद में हम यहाँ से जाएंगे सीधे नगड़िया। और इस बार मैंने सोचा कि पावरफुल व्लॉग करूँगा भाई, ताकि आप लोग को भी देखने में भाई रोंगटे खड़े हो जाए, आप लोग भी भाई अंदर से एनर्जेटिक फील करो। हाँ भाई गाइस आप लोग को रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे अगर किस्मत अच्छी हुई तो। वेल भाई मैं कोई भी ऐसा भाई अनवांटेड चीज़ भाई नहीं करता हूँ जिससे कि भाई अननेसेसरी भाई लोग देख के मुझे गालियाँ बके, तो ऐसा नहीं। इसलिए मैं रिएक्शन लेने के लिए निकलता भी भाई बिल्कुल स्टॉक गाड़ी पे हूँ, मेरी गाड़ी भी अभी बिल्कुल स्टॉक है। भाई रिएक्शन देखना, अगर आप वेल राइडिंग गियर्स पहने हुए हो तो भाई आप लोग को रिएक्शन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा भाई। अभी देखो ये नीला वाला देखेगा, देखा इसने देखा, अरे तुम्हारा MG भाई पहले से पहचान लेता है बंदों को कि कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। वेल देखो वो देखो वो जा रहा पानी वाली है, वो भी देख रहा है। तो ये है भाई तुम्हारे MG भाई का रोल है यार, यही एक रीज़न है कि MG थ्रॉटल दूसरों से काफ़ी अलग है। वेल भाई देखो सबकी एक अपनी अपनी एक USP होती है जिसमें वो परफेक्ट होते हैं। तो वेल अभी हम लोग चलते हैं भाई, ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो चुकी है
और ये एरिया आता है पूरा एकता नगर साइड। भाई ये पॉकेट रॉकेट यार इसका नाम बहुत सही रखा है यार ड्यूक्स का, खासतौर से ड्यूक 390 तो है यार पॉकेट रॉकेट। मुझे तो मेरे 250 भी भाई पॉकेट रॉकेट लगती है यार, इनसेन मैन इनसेन। बिगिनर के लिए भाई मैं सजेस्ट करूँगा कि ड्यूक जो है बहुत हाई उसमें आ जाती है। आपको मैं अगर रिकमेंड करूँ, अगर आप भाई सच में आप और बाइकिंग करना चाहते हो तो भाई ड्यूक पे शिफ्ट कर सकते हो। प्लस आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, बिगिनिंग में आप RR 310 भी ले सकते हो, अब तो RTR 310 भी आ गई नेकेड वर्जन में, तो उस पर भी आप जा सकते हो। प्लस RS हो गई, NS हो गई, R15 हो गई। R15 तो भाई अगर एक बार आप ले लोगे तो वो फॉर एवर भाई आपके लिए हो जाएगी, क्योंकि वो आपको पावर परफॉर्मेंस भाई बिल्कुल भाई इंसेन देती है। पर जो उसका इनिशियल है भाई, जो इनिशियल और टॉर्क है वो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, पर कोई बात नहीं। देखो कुछ चीज़ों के लिए भाई आपको कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो वही बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि भाई ये मत सोचना कि यार इस गाड़ी में ये कमी है। देखो अगर गाड़ी सबसे बेस्ट कोई नहीं होती है, सारी गाड़ी आपके उसके हिसाब से होती है कि आप क्या चाहते हो। KTM में आपको पावर परफॉर्मेंस स्टंटिंग के लिए मिल जाएगा, पर KTM में आपको कंफर्ट आपको लूज़ करना पड़ेगा। आप पीछे प्लेयरिंग को नहीं बढ़ा सकते, ये चीज़ आपको लूज़ करनी पड़ेगी। वेल भाई इसका कोई वो नहीं है भाई, बाकी आप लोग के ऊपर है, बाकी तो सब आपको पता ही है, गाड़ी लेने के बाद तो सब एडजस्ट हो ही जाता है भाई। सबसे ज़्यादा हैप्टिक का जो चीज़ लगती है ना मेरे को, वो लगती है भाई ट्रैफिक में से निकलना। अभी तो भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा भाई मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि मेरी अगर गाड़ी में हेलीकॉप्टर का इंजन होता ना तो मैं घर 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 करके भाई उड़ चुका होता अब तक, और अब तक तो अपनी लोकेशन पर पहुंच चुका होता। फिर तो भाई मैं मोटो व्लॉगिंग का पूरा नज़रिया ही बदल लेता, हेलीकॉप्टर पे हो रही है भाई मोटो व्लॉगिंग। कैसा लगता भाई आप लोग को, बढ़िया लगता ना बताना। तो ये है भाई, अभी हम लोग कैंट की साइड है, क्योंकि एक यही रूट बचता है बाइक के अकॉर्डिंग कि मैं जाऊँ शामतगंज के नीचे से भी जा सकता हूँ, पर वहाँ पर इतना ज़्यादा रश मिलेगा, प्लस भाई गाड़ी इतनी ज़्यादा ओवर हीट होगी कि क्या बताऊँ। बार बार भाई इसका रेडिएटर फैन ऑन हो जाता है ट्रैफिक में, ये चीज़ भाई दिक्कत रहेगी आपके साथ लाइफ टाइम, क्योंकि KTM के इंजन होते हैं बहुत ही पावरफुल, जिसकी वजह से भाई इनको भाई एक अच्छा भाई वेल वेंट वो चाहिए ताकि एयर इनटेक होती रहे इनकी। ये आ गया वेल रमाडा, इसका भी भाई हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द में। वेल आप लोग को ये चीज़ बताई नहीं थी, मुँह से निकल गई, खैर कोई नहीं, हम लोग भाई अपने पेज पे काम कर रहे हैं। ये आ गया भाई नीड आऊँगा, ये भाई खाली रोड में मज़ा आता है यार। खाली रोड हो और MG थ्रॉटल अपनी बैगर के साथ हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई गाड़ी की पावर ना निकाली जाए। तो ये बड़ा अच्छा शांत मतलब काफ़ी पीस एरिया है यहाँ पे, आप लोग कोई ज़्यादा देख रहे हो भाई। अरे यार बंदी लेके आ रहा है, बंदी समेत उड़ेगा ये भी, कहाँ यार बैकर के सामने। लेकिन भाई बंदे पे आई थॉट RX थी, तो उस टाइम पे भाई बैकर ज़रूर आ जाती है। यार छोड़ो यार, चलते हैं अपना एंजॉय करते हैं। देख रहे हो भाई बैकर की पावर। वेल मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग सिटी में तेज़ मत चलाना बिल्कुल भी, अनटिल एंड अनलेस आपको अच्छा खासा स्किल्स ना हो, क्योंकि मैं तो यहाँ का रोज़ का निकलने वाला हूँ तो मेरे को मालूम है भाई कहाँ क्या गड्ढा है, कहाँ क्या कट है, कहाँ से इंसान आ सकता है भाई। तो इसलिए मैं आप लोग को भाई रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप लोग प्लीज़ 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 मैं आप लोग से हाथ जोड़ता हूँ भाई। वैसा भी भैया लोग देख रहे हैं भाई, देखो बैका के रिएक्शन ये हैं। और बढ़ाना ऑटो वाले, ओए बड़ा नहीं तो ठोकूँ एक बार और ठोकूँ इसके। ये ठोक दिया मैंने, धीमे से ठोका यार, कहीं गुस्से में आ गया तब तो यार मुझे को ना ठोक दे। तो भाई जैसे कि मैं आप लोग से कहता था, प्लीज़ भाई इस चीज़ को घर पे या कभी भी रोड पे ट्राई मत करना, बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाता है आपके लिए। मैं तो प्रॉपर राइडिंग गियर्स वगैरह पहन के कर रहा हूँ तो कोई मेरे को डर है नहीं, बट फिर भी अपना डर हो ना हो दूसरों का भाई ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई। हाँ कि भाई रोड मुझे सबसे ज़्यादा भाई प्यारी लगती है यार। मॉर्निंग में अगर आप राइड करने आ रहे हो ना इस रोड पे भाई ज़रूर आओ, इतना ऑसम रोड रहता है भाई क्या बताएं। और रात में भाई यहाँ पे इतना ठंडा हो जाता है क्योंकि चारों तरफ भाई पेड़ पौधे हैं तो ठंडा बना रहता है।
वेल अभी भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को ब्लॉग देखने में। तो अब टाइम आ चुका है अपने ब्लॉग को एंड करने का, उससे पहले ये स्पीड ब्रेकर पार कर लेते हैं भाई। KTM, अरे दादा KTM की ब्रेकिंग भाई बहुत सॉलिड है भाई, बहुत सॉलिड है। वेल आप लोगों को एक बात और बताऊँ, जैसे कि मैंने कहा ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ट्यून्ड विद मी MG Throttle।